चंदवारा थाना परिसर में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का पर्व मनाने को लेकर दिन रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी राम रतन वर्णवाल ने की, जिसमें होली का पर्व शांतिपूर्वक तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। मौके पर चंदवारा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि त्यौहार के दौरान अश्लील गाना बजाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान शांति समिति के सदस्यों ने पूर्व के दिनों में मनाए गए त्योहारों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि विधि व्यवस्था को ठीक रखने के लिए पर्याप्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सशक्त बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। मौके पर उपस्थित SI राजेंद्र राणा, विधायक प्रतिनिधि राजकुमार यादव, मुखिया पुष्पा देवी आदि लोग मौजूद रहे। सर, आज ये होली और सभी बारात को लेकर आज जो बैठक हुआ, क्या कुछ निर्देश दिए हैं आप? आज चंदवारा थाना में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और हमारे इंस्पेक्टर साहब और हमारे थाना क्षेत्र के तमाम पंचायत प्रतिनिधि की उपस्थिति में आज बैठक की गई। इसमें होली और सभी बारात पर्व को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत ही हिदायत की गई। यहाँ पे हर अलग अलग पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा अपनी समस्या को उठाया गया, जिसका निदान किया गया, कहाँ कहाँ विशेष निगरानी रखने की जरूरत है, इस पर विचार विमर्श किया गया। जो हुड़दंग करेंगे उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर होली पर? उस पर हम लोग किए हैं पहले से भी, CRPC 107 के तहत कार्रवाई की गई है हम लोग के द्वारा, पुलिस के प्रशासन के द्वारा। आगे भी हम लोग उनसे निपटने के लिए सक्षम है, हम लोग हर तरह से निपटने के लिए तैयार हैं। जो भी हुड़दंगबाजी करेंगे, जो भी रोड पे शराब के नशे में है, जो भी इधर उधर करने के फिराक में रहेगा, उनके लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।